वेलकम टू आवर शो हेलो कराची और मैं आपकी होस्ट राफिया। जैसे कि हमने वादा किया है कि कराची में जो कुछ भी है, जो कोई भी हैपनिंग जगह है, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। कराची में बहुत सारे मॉल्स हैं और उन मॉल्स में होता है हर वक्त रश। लेकिन अभी हम जिस मॉल में मौजूद हैं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल है। अगर हम इसको साउथ एशिया में देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट मॉल में आता है, और अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड देखें तो 31st लार्जेस्ट मॉल में आता है। जी, हम मौजूद हैं लकी वन मॉल पे, जो कि मेन राशिद मिनास रोड पे बहुत ही बिजी रोड है, मौजूद है। इस मॉल में मज़े की बात यह है कि आपको हर ब्रांड का फ्लैगशिप स्टोर यहाँ मिलेगा, सारे ब्रांड्स मिलेंगे, हर तरह की एक्टिविटी यहाँ मिलेगी। यहाँ एक बड़ा सा एट्रियम एरिया है जहाँ पे हर वक्त ही कुछ ना कुछ होता रहता है। बच्चों के लिए बहुत मज़े का एरिया है विच इज़ वंडरलैंड, जहाँ पे वो हर तरह की एक्टिविटी और स्पोर्ट्स कर सकते हैं। बड़े बच्चे जब खेलना चाहते हैं तो वो कहाँ जाए तो वो भी जी यहाँ पे इंटरटेन हो सकते हैं। यहाँ पे फैमिलीज आती हैं जी, बहुत ही इंटरटेनिंग जगह है। आप मेरे साथ रहें और मैं आपको अंदर लेके जा रही हूँ। जी, क्योंकि ये कराची का सबसे बड़ा मॉल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल है, इसी वजह से इसमें सबसे बड़ा एट्रियम आपको मिलेगा पाकिस्तान का। मेरे पीछे एट्रियम है जी, ये वो जगह है जहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं। कभी कोई ब्रांड लॉन्च हो रहा होता है, कभी कोई प्रमोशनल एक्टिविटी हो रही होती है, मूवी की मीट एंड ग्रीट, मूवी हमारे यहाँ जो होती है उनकी मीट एंड ग्रीट होती हैं, कास्ट मीटअप होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अभी भी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कुछ बड़ा मज़े का सिनेरियो है, यहाँ कोई एक्टिविटी होने वाली है जो हम आपके लिए डेफिनेटली कवर करेंगे। अभी हम और नीचे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ मॉल में। अच्छा जी, ये एक मोबाइल की शॉप है और मुझे थोड़ा सा मोबाइल का काम भी है, और मैं देखती हूँ नए कौन से मॉडल्स आए हुए हैं। अंदर चढ़ के देखते हैं, फॉलो मी। ये ए के सीरीज में सबसे अच्छा फोन कौन सा है? A34 बहुत अच्छा है, A54 और अच्छा, ये दोनों फोन्स बहुत अच्छे हैं। Really? Most on more similar specifications are those of them. इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी क्या कॉस्ट है? ये कॉस्ट करेगा 115, ये कॉस्ट करेगा 141. 141. My favorite stall. I love this kind of jewelry. बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की जोड़े यहाँ पर है ना, ये बड़ा मजे का आता ये बना हुआ है। ओह ओह वाओ, दे हैव ब्यूटीफुल स्टफ हियर, पायल चल चल। अरे wow, now this is actually very nice. Never wear it in the other hand. अच्छा जी, वैसे तो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, कपड़े, जूते, पर्सेस, ज्वेलरी, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। बच्चे इंजॉय करने आते हैं, बड़े भी इंजॉय करने आते हैं, फूड कोर्ट भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मंथली शॉपिंग के लिए आते हैं तो वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोसरी स्टोर यार जो कराची में सर आपको मिलेगा। यहाँ पे लोग पूरे पूरे महीनों की शॉपिंग करके जाते हैं। मैं भी अंदर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। दिल आ गया एकदम से मेरा देखते साथ ही। This is so good. एक सेकेंड, लेट मी चेक। गुड स्पेस एंड गुड प्रेजेंटेशन।
I think this is very, very pretty. I should go for this now. कितने गए? And there you go. This is looking so nice. Thank you. जी, अब मैं जिस फ्लोर पे मौजूद हूँ, इस फ्लोर पे आपको बहुत सारी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस मिलेंगी, जिसमें आपको शूज के ब्रांड्स मिलेंगे, आपको स्पोर्ट्स वेयर मिलेगा, आपको वेस्टर्न वेयर मिलेगा. बड़ी मज़े की जगह है जी, बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपको एक जगह पे मिल रही है. आई थिंक इससे बेस्ट कुछ और नहीं हो सकता. अच्छा जी, अब मैं जिस फ्लोर पे हूँ, यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे ईस्टर्न वेयर के. और यूजली ब्रांड्स आपको जो है पाकिस्तान से बाहर भी बड़े बड़े मॉल से मिलेंगे, और वो सारी चीज़ें कनेक्टिवली आपको इस फ्लोर पे मिलेंगी. इस वक्त मेरे सामने एक ज़बरदस्त आउटलेट है, और इस ज़बरदस्त आउटलेट पर मिल रहे हैं ज़बरदस्त से कपड़े, परफ्यूम, मेकअप. मैं अंदर जा रही हूँ. Let's check perfumes here. मैं इसका एक्चुअली मेल वाला यूज करती हूँ. This is so good. दिखाएं. एक ऑप्टिमाइजर होता है और एक छोटा सा परफ्यूम होता है. ऑप्टिमाइजर मतलब यू यूज दिस एंड देन द ओह पॉकेट में बैग में कैरी करके घूम सकते हैं. नाइस, थैंक यू. राइट, okay, these are the cosmetics here. बड़े अच्छी जी इनकी क्वालिटी होती है. लेट मी ट्राई सम ग्लॉसी ग्लॉस लिपस्टिक here. Just a second. Very glossy. A good feel, smooth feel. Taste में भी अच्छी है. इतने बड़े मॉल में जब आप शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करते करते थक जाते हैं. तो यूजली हमने ऐसा देखा है कि कहीं ना कहीं मसाजिंग चेयर्स लगी होती हैं और उसमें आप पॉइंट डाल के बैठते हैं. बट यहाँ तो पूरी शॉप है जी. ये इनकी लेटेस्ट मसाज चेयर है, और यहाँ से आप खरीद के घर भी ले जा सकते हैं, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो थक तो जाएंगे ना. अब मैं इस चेयर पर बैठने वाली हूँ, एंड लेट्स सी ये कैसा मसाज करेगी. दिस इज द फुट मसाज, दिस इज माई हैंड मसाज, and this is the back massage. और जी बहुत मजा आ रहा है. मेरा ऐसा बैक मसाज हो रहा है जो आपके आपको नजर नहीं आ रहा होगा. ये फुट मसाज देखें, आपको सैलून जाके मसाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आहा, जस्ट लुक एट दिस. और जी मेरा 20 मिनट का साइकिल कंप्लीट हो गया है, पर इतना मज़ा आया, मैं पूरी बॉडी फ्रेश हो गई. सीरियसली ये वो कुर्सी है जो कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, आप भी नहीं. लेकिन मुझे छोड़नी पड़ रही है, शो जो करना है. मेरा रोल जो है वो एक ऑफिसर का है, और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. जर्नलिस्ट जो है ये वैसे तो टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, एंड देन शी लैंड्स अप विद द एंटागनिस्ट. काफी सारा मॉल दिखा दिया. अब हम जिस फ्लोर पे, ये सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फ्लोर है. व्हाई? बिकॉज़ इस फ्लोर पे आपको मिलेगी मजे मजे की गेम्स, जहाँ पे सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी खेल सकते हैं. इसके दो फ्लोर्स हैं, और एज वाइज जो है वो उसकी कैटेगरी है. सामने मेरे फूड कोर्ट है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, लेकिन पहले आपको दिखाऊं वंडरलैंड. आर यू फॉन एक्साइटिंग है जी?
मैं वंडरलैंड के अंदर जा रही हूँ, कुछ खेलते हैं, कुछ मजा करते हैं, फिर बाहर आएंगे। यहाँ बहुत सारे गेम्स हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स हैं, बड़ों के लिए भी हैं। दिस इज स्पिन द व्हील और मैं स्पिन द व्हील खेलने वाली हूँ। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Let's see. Look at the ride. This is swing. सेकेंड लेवल पे मौजूद हूँ वंडरलैंड के। यहाँ जो राइड्स हैं वो मेनली बड़ों के लिए हैं, वो भी एंजॉय कर सकते हैं। नीचे बच्चों के लिए थी, वहाँ पे भी हमने एंजॉय किया, लेकिन अब ये मेनली बड़ों के राइड्स हैं। और यहाँ मैं कोई एक राइड लेती हूँ, आप मेरे साथ चलें। अरे जी, मेरी दोस्त बन गई है, मेरी तरह अकेली और घूम रही थी, राइड्स ले रही थी, तो मैंने कहा हम दोनों मिलकर ही राइड्स देते हैं, एंजॉय करते हैं। ये जी टावर और पता नहीं क्या होने वाला है, बट लेट्स गो फॉर इट। कम कम कम, लेट्स सिट डाउन, आ जाए। सामने मेरे वाटर राइड ली, उसके बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी और कोई राइड लेने की हिम्मत नहीं है। यहाँ बड़ी मजे मजे की राइड्स हैं, यहाँ जी रोलर कोस्टर हो रहा है, वहाँ स्टार वॉक है, और ये एक 360 डिग्री रोटेशन स्पिन है, उस तरह भी बहुत सारी राइड्स हैं। बहुत एक्साइटिंग फ्लोर है, आप लोग अगर राइड्स लेने के लिए आ रहे हैं तो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। आई एम डन एट द मोमेंट, नाउ आई हेड टूवर्ड्स समथिंग एल्स। अच्छा जी, इस वक्त एट्रियम में यहाँ के वहाँ पे 2.5 साल का मीट एंड ग्रीट हो रहे हैं। यहाँ सेलिब्रिटी कास्ट मौजूद है और अपने फैंस से मिल रही है, लोगों से मिल रही है। तो हमारे पास तकी मौजूद है जो कि हारिस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं 2.5 साल में, और वो एक एजेंट है। और हम तकी से बाकी खुद ही पूछते हैं अपनी फिल्म के बारे में। बताइए, ये फिल्म बाय द वे 8th December को रिलीज हो रही है, आप अपने सिनेमाज में ज़रूर जाके देखिएगा। तो मूवी नेम इज 2.5 साल। आपने कुलभूषण यादव का नाम सुना होगा, बेसिकली वो एक रॉ एजेंट था। कराची में जितनी दहशतगर्दी हो रही थी, जो क्वेटा में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई थी, वो बेसिकली लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था। और अब उसको पकड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारी जो सीक्रेट सर्विसेज वाले लोग हैं, तो उन्होंने जिस तरह से जो जो कुछ आप ये समझ लें पापड़ बेलने पड़े हुए, तो वो मैं एक एजेंट का किरदार अदा कर रहा हूँ। तो उसके लिए उनको, मतलब आप सोच नहीं सकते कि आपको पता ही नहीं है ये इतने करोड़ों की आवाम में वो कौन सा एक बंदा है जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उस तक पहुँचना ये कोई आसान नहीं था, और इसमें सालों लग गए थे, तो वो सारे एफर्ट इस मूवी के अंदर है।
अच्छा तो आप मुझे इस फिल्म के बारे में बताइए, व्हाट्स द कैची पॉइंट इन इट और सब लोग क्यों आए देखने के लिए? बेसिकली ढाई चाल जो है वो एक स्पाई थ्रिलर है। आपको नाम से ही आइडिया हो चुका होगा कि ढाई चाल जो है वो एक शतरंज की एक मूव होती है जो घोड़ा चलता है। तो बहुत ज़्यादा सस्पेंस है इसमें, बहुत ज़्यादा थ्रिल है, और बेसिकली इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन बलूचिस्तान और कुलभूषण यादव कैसे पाकिस्तान आया था, कैसे उसने सारी कार्रवाइयाँ की, कैसे उसने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, खास खसूसन बलूचिस्तान को, तो उसमें पूरी तरह हमने उसको पिक्चराइज किया है इसको, और एक बलूचिस्तान की खुशबू आएगी आपको। हाई सवाल के लिए कास्ट से आयशा मौजूद है और उनको कौन नहीं जानता, द एवर ब्यूटीफुल लेडी। इस पर्टिकुलर फिल्म में शी इज एक्टिंग एज कवल, और कवल जो है वो जर्नलिस्ट है। बाकी इनका रोल क्या है और वो भी कैसे है, आयशा से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। यस, एंड दिस इज वेरी मच नीडेड। बट इस फिल्म में है क्या? दिस फिल्म इज बेसिकली अबाउट अ नैरेटिव, जो एक काउंटर नैरेटिव है, जो पाकिस्तान को बहुत बुरी लाइट में दिखाया जाता है पूरी दुनिया में। तो एक ऑनेस्ट अकाउंट है कुछ ऐसे इवेंट्स का, डिफरेंट एजेंसीज जो वहाँ पे काम कर रही हैं और वहाँ के लोगों ने कितना पिछले 10-12 साल में सफ़र किया, स्ट्रगल किया, उसके बारे में। तो उसमें एक जर्नलिस्ट क्या उन चीज़ों को हाईलाइट कर रही है? जर्नलिस्ट जो है ये वैसे तो टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, बट देन शी इज़ डूइंग रिपोर्टिव लाइव रिपोर्टिंग ऑल्सो, तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करना शुरू हो जाती है। हाँ, एंड देन शी लैंड्स अप विद द एंटागनिस्ट, सबसे प्यारा पाकिस्तान, डिस्कवर पाकिस्तान। Alright जी, ढाई चाल की कास्ट भी हमारे साथ है और उनके प्रोड्यूसर भी हमारे साथ है। हुमायूं अशरफ हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम फिल्म में मुजाहिद है और उनका रोल भी कुछ वैसा है। और उनके साथ मौजूद है जी प्रोड्यूसर है फिल्म के, डॉक्टर इरफान, दोनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू हुमायूं? वेरी वेल, वेरी वेल। कुछ अपने रोल के बारे में बताएं। मेरा रोल जो है वो एक ऑफिसर का है जो कि इंडियन स्पाई शमून अब्बासी प्ले कर रहे हैं, जिसका नाम कुलभूषण है, कुलभूषण यादव, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और पाकिस्तान की कस्टडी में है। इंडियन स्पाई वो मानते नहीं है इस बात को, लेकिन है, नहीं वो तो है, सारी दुनिया को पता है। तो उसको पकड़ने वाला जो सीन है, जो उसको कैप्चर करना है, वो मेरा जो कैरेक्टर है मुजाहिद वो करता है उसको, और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अच्छा, मुझे बताए इस पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज आई एम श्योर हम नॉर्मल लाइफ में ये सब arms and animations और ये सब कुछ हम लोग नहीं हैंडल करते, और इतनी टफ सिचुएशन में, टफ सिनेरियोज में शूट करना, हाउ वाज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज देयर अ पॉइंट वेयर यू फेल लाइक गिविंग अप, नहीं भाई हो गया, मैं डॉक्टर साहब को बता देता हूं, डॉक्टर साहब और नहीं हो रहा? वी नेवर गिव अप, वी नेवर गिव अप, गुड, कभी भी नहीं। इनफैक्ट वहाँ पे हमने, ये तो एनिमेशंस तो सारी बाद में ही है, हमने तो रियल लोकेशंस पे रियल वेपन्स के साथ हर चीज़ रियल थी जिसके साथ हमने शूट किया। वो वैसे भी एनिमेशंस की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अदरवाइज जो हमने वो सारी चीज़ें रियल थी, डॉक्टर साहब ने अरेंज की थी सारी चीज़ें। डॉक्टर साहब कैसे कर लिया आपने सारा कमाल? देखिए जी, ये चैलेंजिंग था, इसमें कोई शक नहीं है कि ढाई चाल जैसी फिल्म ना कभी पाकिस्तान ने बनाई है और ना कभी कोई बनाएगा आगे भी। इसमें हम उन लोकेशंस पे गए, जैसे हुमायूं ने कहा कि जहाँ पे वो किसी वक्त में शायद वो रियल टेररिस्ट का एरिया था, आज से चंद साल पहले, मेन हब हमने वहाँ जाके इसको शूट किया। आपके रेफरेंस से मैं तमाम आपके देखने वालों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ढाई चाल देखें, अपने रिव्यूज़ दें और पाकिस्तान के लिए आपने ये फिल्म देखी है। जी बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं फूड कोर्ट पे हूँ और मैंने कहा इस फूड कोर्ट की चाट बहुत फेमस है। वैसे तो हर तरह की आपको यहाँ पे वैरायटी मिलेगी, आपको यहाँ बर्गर्स भी मिलेंगे, फास्ट फूड भी मिलेगा, देसी भी मिलेगा, चाइनीज़ भी मिलेगा, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कोरियन भी मुझे नज़र आ रहा है, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ चाट खाने वाली हूँ, आप लोग बस मुझे खाता देखें। देखें आपको खाना है ना तो आपको आना पड़ेगा। इस तक मैं जॉय राइड में हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ, ये जॉय राइड मुझे पूरे फ्लोर पे घुमाएगी और मैंने आज आप लोगों को बहुत घुमाया, पूरा लकी वन घुमाया, आपको वंडरवर्ल्ड भी दिखाया, आपको डिफरेंट एक्टिविटीज होती हुई दिखाई, ढाई चार की कास्ट से भी हमने मिला और शॉपिंग भी की, बहुत बहुत मज़े का मॉल है। एंड नो आई थिंक दिस इज द बेस्ट मॉल आई हैव एवर बीन टू इन पाकिस्तान।
अगर आप कराची आ रहे हैं तो इस मॉल को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, और ये जोहर एट भी बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, वो बड़ा मज़ा आ रहा है सीरियसली। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको कुछ और दिखाएंगे, कोई और मज़े की जगह बताएंगे, कोई और एडवेंचर करते हुए दिखाएंगे या कोई इवेंट कवर करते हुए होंगे। आप लोग देखते रहिएगा हेलो कराची और रहिएगा डिस्कवर पाकिस्तान के साथ। दिस इज योर होस्ट राफिया साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। चले 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 चले, चले।